वीरवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, शिमला शहरी से विधायक हरीश चुनारथा, शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान समेत कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आपदा के वक्त में केंद्र से मदद न मिलने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। साथ ही डीजीपी मामले पर मुख्यमंत्री के प्रदेश लौटने के बाद उचित कदम उठाने की भी बात कही। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस आज अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। उन्होंने कहा कि ये किसी भी कार्यकर्ता के लिए बेहद खुशी की बात है। इस दौरान नरेश चौहान ने केंद्र से मदद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, स्थापना दल आप कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस 138 साल कांग्रेस पार्टी ने पूरे किए। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। आज हम 139वां दिवस मना रहे हैं, तो आप कहें कि ये किसी भी कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि हमारी पार्टी का स्थापना दिवस। और इस उपलक्ष्य में मैं सभी कांग्रेस जनों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन 1885 में जिस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी, उस वक्त साफ था कि देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, और उस गुलामी से देश को बचाने के लिए कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, उनकी सोच थी, और उस लड़ाई में 1947 में उनको सफलता मिली और देश आज़ाद हुआ। उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल बना और देश की सेवा की, सरकारें लोगों के सहयोग से बनी। आज हमारा 139वां स्थापना दिवस है, ये हमारे लिए, सबके लिए, कांग्रेस जनों के लिए गर्व की बात है। जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में चैलेंजेस की बात है, वो चलते रहते हैं। संघर्ष करना कांग्रेस जनों के लिए कोई नई बात नहीं है। हमने आज़ादी के समय भी एक संघर्ष के लिए काम किया, आगे भी करेंगे। आज जो हालात है देश में, आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसके लिए सभी कांग्रेस जन मिलजुल के, चाहे हमारे नेता हैं चाहे कार्यकर्ता हैं, पूरी मजबूती के साथ, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें या पूरे देश के अंदर, जो हमारा राष्ट्रीय लीडरशिप है, उनके आदेश अनुसार, उनके दिशा निर्देश में इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि देश के लोगों का सहयोग मिलेगा। उसके पीछे कारण है कि जो आज देश में सत्ता है, जिनको 9 साल से ऊपर का समय हो चुका है, ये उनका समय है देश को बताने का कि उन्होंने जो वादे किए थे देश की जनता से, 2 करोड़ रोजगार देने के या 15 लाख लोगों के खाते आने में, या अच्छे दिनों की जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों के सामने रखी थी, मैं समझता हूँ उसका अब समय आ गया है कि उन सभी चीज़ों का जवाब देश की जनता मांगेगी और हम लोग भी कांग्रेस जन बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे।